मैं वली मोहम्मद मानी टीचर है स्कूल बनचूंगा। और जो टॉपिक में शेरिंग दर जमुन समझ उर्दू के तार मंसूर हूँ इमें बनवान चु शायर कश्मीर महजूद। तो बच्चों आज मैं बताए इमस महजूद इस चीज बुढ़वार शायर चुतु कश्मीर एम सी इंट्रोडक्शन मन होते क्लास में इस महजूद एम सी पूरा नाम नाम चु पीर ज्यादा गुलाम अहमद यानी इसका पूरा नाम था पीर ज्यादा गुलाम अहमद। ये इसी कश्मीर में पैदा हुई जिले पुलवामा में गांव का नाम था मित्री गांव यानी ये मित्री गांव जिले पुलवामा में पैदा हुई। और ये 13 अगस्त 1887 ईस्वी में पैदा हुई यानी इस कह अगस्त तो 1877 ईस्वी में मित्री गांव में पद गोम एमिस इस मोर उस वाल सब उस उसका नाम था पीर अब्दुल्ला शाह यानी इसके वालिद का नाम था पीर अब्दुल्ला शाह। और जो इसकी मां थी वाला वालिदा का नाम था सईदा बेगम सईदा बेगम माँ जो नाम सईदा बेगम। जो ये महजूर था इसने पहली बार 1905 ईस्वी में पंजाब का सफर किया यानी 1905 ईस्वी में हुई पंजाब वहां उसने बड़े बड़े आलिमों और शायरों से मुलाकात की तत्पूर्व मुलाकात तत्सम क्या हुई बड़े बड़े आलिम तो शायरन उस सफर दौरान पूरे पन्ने शार हुई हुई बाकायदा आगाज यानी इसी पंजाब के इस सफर के दौरान इसने अपने शारगोई का बाकायदा आगाज किया। ये महजूद जो था ये एक मुलाजिम था पेशा था इसका पटवारी। इस पटवारी पेशे के सिलसिले में यानी नौकरी करने के सिलसिले में इसको बहुत जगह रहना पड़ा जैसे लद्दाख हंदवाड़ा करगिल हाजिन आरीगाम में रहना पड़ा यानी इसका लद्दाख से ड्यूटी थी हंदवाड़ी से ड्यूटी थी इसका हाजिन से ड्यूटी थी इसका आरीगाम से ड्यूटी थी वगैरह यानी इस पे वारिया जाए अथ सर्विस दौरान ड्यूटी दी। तो ये उस बच्चों की टॉपिक नाव शायरी कश्मीर आज बड़ी बाप बड़ बार शायर इंट्रोडक्शन इंशाल्लाह पाका पारा एम ब्रो तो एम सी कारनाम क्या हो क्या न हो। तो आज मैंने आपको इसकी इंट्रोडक्शन कराई इसका तारुफ कराया। तो आज के इस लेसन में इतना बैठिए अस्सलाम वालेकुम।